दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मुद्दे की बात में आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जो देश में आज की तारीख में सबसे गर्म मुद्दा है, और वो क्या है? बिहार की राजनीति में उठी खलबली, जो तूफान उठ रहा है, ज्वार उठ रहा है, और पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों जैसी टीवी चैनलों पर खबरें मिल रही हैं और कई अन्य सोर्सों से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर भाजपा की गोद में बैठकर अपना राजनीतिक भविष्य खत्म करने का फैसला ले चुके हैं। हो सकता है जब तक ये मेरा वीडियो आपके सामने आए तब तक नए सिरे से नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ नाता तोड़ के भाजपा के सहयोग से वो नए तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे, और उसमें इस बार आरजेडी नहीं, कांग्रेस नहीं या अन्य पार्टियां नहीं, उसके सहयोगी भाजपा और एनडीए के साथ ही होंगे, और सरकार में भी वही लोग होंगे। अंतिम रूप से तो यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को तोड़कर और सरकार गिरा रहे हैं और अपना इस्तीफा देकर नए सिरे से भाजपा गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जाकर फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। दोस्तों देखते हैं आने वाले 24 घंटों में क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने से पूरा इंडिया गठबंधन सकते में है, राजनीतिक पंडित भी सकते में है, क्योंकि जिस टाइम इस बार वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर सरकार गिराकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस आदि के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी और कसम खाई थी, लंबी चौड़ी गालियां एक तरीके से दी थी भाजपा नेताओं को, भाजपा सुप्रीमो को, कि मैं इनको इनकी औकात बताऊंगा, बिहार से इनका सफाया करूंगा और इंडिया गठबंधन बनाकर भाजपा का रथ, विजयी रथ रोकूंगा और भाजपा को सत्ता से निकाल बाहर करूंगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने ऐसे प्रयास किए भी, उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, पूरे देश में घूम फिर कर कई मुख्यमंत्रियों के यहाँ जाकर बातचीत की, और अंततः अपना वो सपना साकार करने में कामयाब रहे और उन्होंने इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, एनडीए गठबंधन के अपोजिट बाकी दलों को मिलाकर। और ऐसा माना जा रहा था कि ये नीतीश कुमार का राजनीतिक कौशल है,
कि एकदम उन्होंने सारे विपक्षी दलों को एक झंडे के लाकर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एन चुनाव से पहले, अब लोकसभा चुनाव सर पर है, उसके बाद फिर बिहार के भी चुनाव आ ही जाएंगे जल्दी, तो उन्होंने फिर पलटी क्यों मारी? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका कारण यह है कि उन्हें एनडीए का मतलब इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल से ये उनका हक बनता था कि उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, चूंकि उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, विपक्षी गठबंधन को इकट्ठा किया था और इंडिया गठबंधन बनाया था। लेकिन उनको क्यों नहीं बनाया गया? कांग्रेस और अन्य आरजेडी गुट के कुछ सूत्रों का कहना है कि उन्हें कुछ भनक लग गई थी कि कई कारणों के चलते नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारकर भाजपा खेमे में जा सकते हैं, इसलिए उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना शायद बने बनाए इंडिया गठबंधन को खराब करना होगा, क्योंकि मालूम नहीं कब वो फिर भाजपा की गोद में जा बैठे। ऐसे विपक्षी दलों के नेताओं को संकेत मिल रहे थे और अंततः जो अब सामने दिखाई दिया उससे स्पष्ट भी हो गया कि जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई जो जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया है उसी को वो धोखा भी दे सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि नीतीश कुमार को एक बार फिर पलटी मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई उनके निजी पारिवारिक कारण है, निजी कारण है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि उनके दो दशकों की राजनीति में आज तक कभी भी उन पर आर्थिक अपराध के आरोप नहीं लगे, जो आम तौर पर राजनीतिक नेताओं के ऊपर लगते हैं। उनके खिलाफ एक भी ऐसा कोई केस नहीं है जिस पर कि उन्होंने कोई धन संग्रह करने के लिए कुछ फैसले किए हों या नंबर दो में धन इकट्ठा किया हो, तो फिर उनके डरने की क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों, जानकार बता रहे हैं कि उसका कोई निजी कारण है और बहुत बड़ा कारण भी है, और कई लोग जान भी रहे हैं, लेकिन मैं अपने मुँह से इस समय उसका खुलासा करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो भाजपा ने वो एक अंतिम हथियार चला जिससे कि नीतीश कुमार डर गए और उनको भाजपा के खेमे में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सामने तो ये बात भी आ रही है, अलग अलग खेमे अलग अलग बात कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो तू-तू मैं-मैं हो रही है उसी को ख़त्म करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसी को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो बिहार सरकार को गिराकर, यानी कि वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो वो 6 महीने तक रह सकते हैं, और चाहते हैं कि वो चुनाव बिहार के चुनाव जो हैं लोकसभा के साथ हो जाएं। तो जो दोनों तरफ से या कई नेता उन पर आरोप उरोप लगा रहे हैं या खटपट की बातें कर रहे हैं, वो लफड़ाई ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से वो इंडिया गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। और लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए, ये ऐसा मानना है उनके एक बहुत करीबी पत्रकार का। लेकिन कई जानकार पत्रकारों का मानना है कि ऐसा नहीं है, उनका भाजपा के साथ जाना तय है, क्योंकि उनकी कोई बहुत बड़ी नस भाजपा ने दबा ली है
और उसी की वजह से वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात जो निकल कर आ रही है, जो कई वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि अच्छा हुआ समय रहते ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और वो भाजपा में चले गए, वरना बहुत बाद में ये जाते तो और ज्यादा मामला खराब हो जाता। कई वरिष्ठ पत्रकार तो ये भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, राजनीतिक खुदकशी करने जा रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि भाजपा के साथ फिर सरकार बना कर जिस भाजपा के नेताओं को, मोदी जी को या सबको वो गरिया रहे थे, बुरी तरीके से हड़का रहे थे कि मैं कभी भी भाजपा के साथ जीवन में नहीं आऊँगा, और भाजपा ने भी ये दावा किया तब नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी उम्र के अंतिम दौर में जो ये सब कर रहे हैं, ये सब उनके राजनीतिक खुदकशी का कारण बनेगा और लोकसभा चुनावों के बाद उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। ये ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि नीतीश कुमार को इस बार उतने लोकसभा की सीट शायद भाजपा ना दे, और दे भी दे तो 5-7 लोकसभा सीट बमुश्किल जदयू जीत पाएगी। उसका कारण यह है कि जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था, जो माहौल उन्होंने तैयार किया था, जो जातिगत जनगणना बिहार में कराकर जो भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया था, सवर्ण जातियों के खिलाफ माहौल बनाया था, क्योंकि भाजपा की सपोर्टर सबसे बड़ी सवर्ण जातियां हैं, अब वो खुद उसी के साथ जाकर मिल गए, लेकिन उनका मुद्दा जातिगत जनगणना और इंडिया गठबंधन से जो माहौल बना था उसके तहत अब बिहार का मुस्लिम जो हमेशा उनका साथ देता रहा, या वहाँ के महादलित या जो भी उन्होंने एक अपना वोट बैंक बनाया था, इस बार वो उनके साथ नहीं रहेगा, बल्कि बिहार के मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, आरजेडी के साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे, और यही नहीं, जो माहौल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो दावा किया है, उसके नाते बिहार के दलित भी बहुत हद तक, महादलित भी बहुत हद तक नीतीश को छोड़ जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और भाजपा के साथ भी उनकी बहुत ज़्यादा देर तक पटनी नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ कैसे कैसे खेला करती है। महाराष्ट्र में उन्होंने अपने ही साथियों के साथ, अपने ही एनडीए के कुनवे के साथ क्या किया, और यानी कहने का लब्बोलुभाव ये है कि भाजपा जिसके साथ भी गठबंधन करती है उन क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, समाप्त कर देती है, तोड़फोड़ कर देती है। तो दोस्तों, देखना है कि जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने का फैसला लेकर आत्मघाती कदम उठा चुके हैं या उठाने जा रहे हैं, उसका अंतिम असर नीतीश कुमार की राजनीतिक खुदकशी के रूप में होना तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ
कल नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।